केंद्र सरकार में टेक्सटाइल मंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित टेक्सटाइल पार्क का निरीक्षण किया, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी साथ रहे। गिरिराज सिंह ने बैग क्लस्टर में बैग निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने से बिहार को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल के अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है और कपड़ा उद्योग के विस्तार पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बिहार में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए बड़े पैमाने पर समीक्षा बैठक की गई। टेक्सटाइल के क्षेत्र में शीघ्र ही बिहार की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने लेदर क्लस्टर सेंटर में हर दिन 50,000 बैग तैयार करने की सराहना की और बताया कि बिहार सरकार की टेक्सटाइल और लेदर नीति देश में अद्वितीय है। औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें पटना बुलाकर समाधान निकाला जाएगा। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, उसी लिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, एनडीए के सांसदों को मंत्री बनाया है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी के मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं चिराग जी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से देखने के बाद आप जब देखेंगे तो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, तो ये सारे मिनिस्टर मिलके अपने अपने विभाग का एक रोड मैप बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक विकसित बिहार की के रूपरेखा कार्य योजना। सर, वस्त्र मंत्रालय को यहाँ डेवलप करने के लिए बिहार में कुछ ऐसा है, पहले होता था सर आपका एक शॉप वगैरह भी होता था जिला में जहाँ पर सरकारी विभागों में सप्लाई होता था कपड़ा, वो चीज़ें बंद हो गई। अब चलिए नए तरह से सब चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को सर मैनचेस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये सब के लिए ना आए हैं। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम, तो अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश। और आज भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि रोजगार सर्वाधिक कृषि के बाद वस्त्र मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ उपलब्ध होता है लोगों को। तो आज हम लोग की पटना में बहुत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी सब मिलके जो बिहार की मांग की, जो हम लोग चाह रहे हैं भारत सरकार से मदद, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने सब हम लोग को आश्वस्त किया है कि कार्य योजना बना के हम भेजेंगे, उसको स्वीकृत करेंगे। इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे देश स्तर पर। क्या बड़ा रखा गया सर? नहीं, वो अलग अलग, अभी हम लोग बहुत विषयों पर बातें हुई हैं, अब अलग अलग उद्योग विभाग को प्रस्ताव बना के देना है। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी, और मुझको जानकारी मिली, इन्होंने बताया कि 50,000 बैग प्रतिदिन बिहार में बन रहे हैं अलग अलग इकाइयों से। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति ठान ले तो वो क्या कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी, और आज बिहार की जो पॉलिसी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए या लेदर के लिए, वो पूरे देश में वैसी पॉलिसी किसी की नहीं है। तो मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में हमारा जो मानव संसाधन है
वो सर्वाधिक है और यही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। आज अवसर आ गया है कि हम अपने ही राज्य में उनको अवसर दें, मौका दें कि लोग बाहर से आके फिर अपने राज्य में अपने घर में काम करें। निश्चित तौर पर निश्चित सरकार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ दे रही है, पर मुजफ्फरपुर में लगभग 250 उद्यमियों से सीट खाली करवा लिया गया। ये विषय कुछ लोगों ने फोन करके मुझको बताया है, आज भी कुछ लोग मुझसे मिले हैं। हमने कहा है कि पटना आके आप सचिवालय में आके मिले, सभी इकाइयों के लगभग 200 से अधिक उनकी संख्या है, सबको देखेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन जिस परिस्थिति में जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर और जिस उद्देश्य से बियाडा ने उनको ज़मीन दिया था उसको समीक्षा करेंगे। और जो हमारे उद्यमी हैं जो उद्यम लगाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान होगा बिहार की अर्थव्यवस्था में, तो उनको तकलीफ़ नहीं होने देंगे, कोई ना कोई रास्ता हम लोग ज़रूर निकालने का प्रयास करेंगे।